आज मैं आपके लिए कुछ सिनोनिम्स की प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ जिसे हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना है। और आप ये समझिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो बिल्कुल आपको 100% अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आपको कोशिश करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। स्पष्टवादी जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से क्या है, वो फ्रैंक है। तो यहाँ पे फ्रैंक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद में आप समझिए कि फ्रैंक की दो कैटेगरी होती है, एक तो आउट स्पोकन, यहाँ पे हमारा जो है पर्सन वो कैसा है, फ्रैंक है यानी स्पष्टवादी है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसके और सिनोनिम लेना चाहें तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडली हो सकता है, कॉर्डियल हो सकता है ना। इसके बाद में कॉर्डियल के बाद में इजी टू टॉक, जिससे हम आसानी से बात कर सकें, अफेबल हो सकता है, एमिएबल हो सकता है, बहुत सारे इसके वर्ड मिलेंगे, है ना। इसके बाद में डिसऑनेस्ट, आप जानते हैं कि इसका मतलब बेईमान होता है, अपने काम में लॉयल नहीं है। प्लीजिंग, ये पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद में स्वीट वर्ड जानते हैं आप। कम टू द नेक्स्ट वन, कंसाइसनेस। तो मैंने आपको बहुत से बार आपको जो है कंसाइस बताया है। कंसाइस का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, समराइज करना। तो मैंने इसका एक बेहतरीन सिनोनिम बताया था, उसी से पूरी की पूरी सीरीज याद हुई थी आपको, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करना, शॉर्ट करना, इसका मतलब समराइज करना। जिस्ट क्या निकला, ब्रेविटी एक वर्ड आता है, जिस्ट आता है, इसेंस आता है, कंपेंडियम आता है, बहुत सारे इसके वर्ड मिलते हैं। सो एज यू आर एबल टू सी दैट ब्रेविटी इज गिवेन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिफाइन है किसी चीज को प्योर करना, प्योरीफाई करना, रिफाइन हो गया। फ्रैंकनेस, तो फ्रैंक से वर्ड बना, और करेक्टनेस एज यू नो इट वेरी वेल। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज एग्जीक्यूटिव साइड। आपका जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई भी चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो वी कैन से दैट एलिगेंट, है ना, एलिगेंट बोल सकते हैं। एलिगेंट है यानी बहुत बढ़िया है, यानी अट्रैक्टिव है, या फिर कहीं ना कहीं हमारा जो है लवली के सेंस में भी आ सकता है, ऑसम के सेंस में भी आ सकता है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ कैसी है, स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड है, तो ग्लोरियस भी हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा जो है ग्रेसफुल ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। क्लमजी जानते हैं, क्लमजी का मतलब कैसा है कि कहीं ना कहीं वो कैसा है, भद्दा है, दैट इज ऑकवर्ड। सो वी कैन से दैट ऑकवर्ड, ऑकवर्ड बोल सकते हैं। ऑकवर्ड के बाद में ऑकवर्ड का सिनोनिम रफ हो जाएगा, और अनरिफाइंड, रिफाइंड का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। इसके बाद में आते हैं थर्ड फोर्थ वन, दैट इज ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब निर्दयी होता है, निर्दयी होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्रूएल है, या फिर बोल सकते हैं मर्सीलेस है, मर्सीलेस है, यानी हार्टलेस बोल सकते हैं कि उसके पास में हार्ट ही नहीं है, वो हार्टलेस है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसके सिनोनिम पर जाएं तो क्रिमिनल होगा, नहीं ये नहीं होगा, रूथलेस, यही वर्ड हमारा सही है, क्योंकि हमारा जो है हार्डन एंड फीलिंग इसी में आएगा। और एडामेंट का मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। बहुत सारे इसके वर्ड बनाए, एटलीस्ट 10 इसके कम से कम वर्ड बताए हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ह्यूमन वर्ड जानते हैं। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल मैंने बताया था, अगर एम मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो वर्ड पॉजिटिविटी को बताता है। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली होता है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अफेबल, एमिकेबल, अभी मैंने आपको बताया जब फ्रैंक बताया था, है ना। तो यानी फ्रैंक का सिनोनिम है, तो यहाँ पे पॉइजनस, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये होगा नहीं, पॉइजनस नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग के सेंस में नहीं, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद में हार्टनिंग, हार्टनिंग का मतलब होता है इंक्रीज द जॉयनेस, यानी हैप्पीनेस को बढ़ाना, इस तरह से हमारा हार्टनिंग आ जाता है, या किसी को प्रमोट करना। तो बेसिकली दिस ऑप्शन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, दैट इज फ्रेंडली। ओके, इसके बाद में डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब होता है एक तरह से क्या है, भ्रम है, भ्रम है। तो आपने देखा एक मूवी आई थी फैंटम, है ना, फैंटम, तो फैंटम का मतलब क्या होता है, भ्रम पैदा कर देना, ठीक है। इल्यूजन है, डिल्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इल्यूजन दिख रहा है, तो यहाँ पे बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली जानते हैं, क्लैरिटी जानते हैं। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, सो कॉपी करना, मिमिक्री बना इसी से, सो वी कैन से दैट मिमिक। नेक्स्ट क्लोजल, क्लोजल का मतलब होता है विशाल, विशाल का मतलब डेंजरस, सॉरी विशाल का मतलब ये डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, ये तो होगा नहीं। जाइगेंटिक, यही होता है विशाल, तो इसका मतलब, और भी अगर सिनोनिम लेना चाहें तो वास्ट बोल सकते हैं, इनॉर्मस बोल सकते हैं, हैवी बोल सकते हैं, या फिर हमारा जो है और भी वर्ड अगर लेना चाहें तो जाइगेंटिक के विशाल में मैमथ एक वर्ड आता है, MAMM,
ओटीएच मैं मत, इसके बाद में फैटल, फैटल का मतलब कोई भी चीज़ घातक है, घातक है तो कहीं ना कहीं डेंजरस का सिनोनिम हो सकता है, ऑनरेबल वर्ड जानते हैं। 9 नंबर कैलस इज गिवन, कैलस देखिए अभी मैंने वर्ड एक बताया था ब्रूटल, ब्रूटल का सिनोनिम होता है, ब्रूटल का सिनोनिम कैलस होता है, इसका मतलब निर्दयी होता है, क्रूअल होता है, मर्सीलेस होता है ना। हार्डन एंड फीलिंग दिया गया है बी ऑप्शन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लार्ज वर्ड होगा नहीं, थिक का मतलब मोटा होता है ना, कोई भी चीज़ थिक है, डेंजरस हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वर्ड आपका दिया है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ को मना करना, मना करना, सो वी कैन से दैट फॉरबिट, ओके, पनिश करना नहीं होगा। बैनिश का मतलब होता है किसी को वनवास के लिए भेज देना, यानी सेंड इन एग्जाइल, किसी को समाज या देश से बाहर कर दिया। और एग्जिबिट का मतलब होता है एग्जिबिशन, इसी से बना, नुमाइश करना, किसी चीज़ को शो ऑफ करना, दिखाना, प्रेजेंट पर बेस्ड है। लेकिन आज का कन्वर्जन थोड़ा सा अलग है, आज का कन्वर्जन हमारा बेस्ड है वर्ब से एडजेक्टिव पर, आज हमें वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में, तो आपको कन्वर्जन तैयार करना है। और बेसिकली मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आके आया हूँ जो कि पास्ट पेपर से पेपर बेस्ड हैं, आपके पिछले एग्जाम्स में ये वर्ड्स आ चुके हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एडवाइस, एडवाइस को देखिए मैंने पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि एडवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडवाइस में देखिए कई बार आपको ए डी वी आई सी ई देखने को मिलता है और कई बार आपको ए डी वी आई एस ई देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान पे रखनी है कि जिसमें सी लगा हो वो हमारा नाउन होता है और जिसमें एस लगा हो वो हमारा वर्ब होता है, ठीक है। अब जो है हमें जो है वर्ब से क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। अब जब एडजेक्टिव बनाना है सो मैंने आपको बहुत सारे कीवर्ड बताए थे एडजेक्टिव के, कि जैसे फुल लगा हो, एबल लगा हो, है ना, और इसके बाद में हमारे बहुत सारे वर्ड बताए थे आई बी एल ई आई एस एच, इस तरह से बहुत सारे वर्ड बताए थे आपको कि वो कीवर्ड होते हैं जिससे ये पता चल जाता है दिया गया वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। देखिए हमारा जो है एडवाइस है, तो एडवाइस से हमारा जो एडजेक्टिव बनेगा वो कब बनेगा, एडवाइजेबल, ठीक है, एडवाइजेबल ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह से अकाउंट है तो अकाउंट भी सेम इसी तरह से बनेगा, दैट इज अकाउंटेबल, ओके। नाउ सीज है, सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है, तो सीज है तो सीज से आपका बना सीजलेस, सीजलेस, ओके। ड्रिंक है, ड्रिंक से क्या बना कि वो कैसा है, पीने योग्य है, सो वी कैन से दैट ड्रिंकेबल। नाउ ईट इज गिवन और ईट से बन जाएगा क्या, ईटेबल। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें एबल ऐड किया है और एबल और लेस ये सब कीवर्ड होते हैं आपके, जिनसे ये पता चल रहा है कि दिया गया वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। वन मोर थिंग आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको मैंने बताया था कि जब आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो आप जो है हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए, हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड फिल है तो फिल से आपका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। लाफ है तो लाफ से आपका वर्ड आ जाएगा लॉफेबल। तो देख रहे हैं आप एबल लगा हुआ है। नेक्स्ट है मूव, मूव से वर्ड बना क्या, अब मूव से वर्ड हमारा बन जाएगा मूवेबल। अब इसके बाद में देखिए टॉक है, टॉक से वर्ड बना आपका जो है टॉकेबल। या फिर टॉकेटिव भी हो सकता है, ठीक है, टॉकेटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आई वी ई लगा हुआ है, तो कैसा है वो, हाउ से अगर क्वेश्चन करिए कैसा है तो आपको पता चल रहा है कि वो कैसा है, टॉकेटिव है, बादूनी है। नेक्स्ट टायर, टायर से आप सिंपली देखते हैं कि टायर से बनता है टायरसम, सो वी कैन से दैट टायरसम, ठीक है। वर्क से, वर्क से बना वर्केबल, सो वी कैन से दैट वर्केबल। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेप्ट से हमारा जो है क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है।
अब देखिए, अगर हम एक्सेप्ट में ए एन सी ई लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था ए एन सी ई ये हमारे जो रूट वर्ड होते हैं या की वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि दिया गया वर्ड हमारा नाउन है, एडजेक्टिव है। ए एन सी ई लगा दीजिए इसी में तो ये नाउन बन जाएगा। और अगर इसी में हम ए बी एल ई लगा दें, एक्सेप्टेबल कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, एक्सेप्टेबल। ओके, नेक्स्ट है अचीव। ठीक है, अब अचीव से हमारा वर्ड क्या बनेगा? अचीव से हमारा वर्ड बनेगा अचीवेबल। तो अचीवेबल हो जाएगा। एक्ट, एक्ट बहुत ही आसान वर्ड है और एक्ट से वर्ड बना एक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, एक्ट को थोड़ा सा एक्ट के बारे में समझते हैं। एक्ट के बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, तो देखिए एक्ट से बना एक्शन। तो एक्शन आप देख रहे हैं आई ओ एन लगा, ये नाउन हो गया। एक्टिव ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। तो देखिए एक्टिव, एक तो एक्ट हमारा वर्ब है, दूसरा एक्टिव भी हमारा क्या है? आई वी ई लग गया। तो कैसा है वो? एक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि आई वी ई की वर्ड मैंने बताया था। इसके बाद में एक्टिवली कर देंगे अगर, है ना, एक्टिवली कर देंगे तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट 15 वर्ड एम्यूज दिया है। एम्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ को एंटरटेन करना, किसी को एंटरटेन करना। अगर हम इसमें एम्यूज में एम्यूजमेंट लगा दें तो ये नाउन बन जाएगा, वर्ब से नाउन बन जाएगा मेंट लगाने से। और यहाँ पे अगर हम एम्यूजिंग कर देंगे AMUSING, एम्यूजिंग, अगर हम एम्यूजिंग कर देंगे तो ये कैसा हो गया? एम्यूजिंग हो गया, इंटरटेनिंग हो गया, मनोरंजक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव बन गया। तो इस तरह से हम देखिए इस वर्ड को सॉल्व करते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, देखते हैं कि चाहे वो एयरफोर्स या डिफेंस के लगभग लगभग एग्ज़ाम हैं तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आने लगा है। चाहे वो नाउन से आपका एडजेक्टिव हो, या आपका नाउन से एडवर्ब हो, या एडजेक्टिव से एडवर्ब हो, या फिर आपका जो है वर्ब से नाउन हो, तो इस तरह से बहुत सारे कन्वर्जन हमारे आते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ वर्ब्स लेकर के आया हूँ, उन वर्ब से हमें नाउन पे चेंज करना है, यानी हमें वर्ब से नाउन बनाना है। ओके, पहले मैंने एक आपको वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि एडजेक्टिव के क्या कीवर्ड्स होते हैं, नाउन के क्या कीवर्ड होते हैं। नाउन में जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी वर्ड में लास्ट में यानी सफिक्स में आपको एस आई ओ एन मिल जाए, या फिर टी आई ओ एन मिल जाए, या फिर मेंट मिल जाए, या फिर हुड मिल जाए, या नेस मिल जाए, है ना, या फिर केवल टी लगा हो, ठीक है, सॉरी एफ़ लगा हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वर्ड मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कीवर्ड। और अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो एक बार मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं फिर से कीवर्ड आपको बता दूंगा। तो इससे आपको जो है बहुत ही आसानी मिलने वाली है और आसानी से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जब आपको ऑप्शन में वर्ड दिखेगा तो आप आसानी से पिक कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, यहाँ पर केवल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखिए और कैसे हम चेंज करते हैं उसको आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब किसी चीज़ के अधिकता होना, है ना। प्लेंटीफुल का सिनोनिम है, तो अबाउंड का जो हमारा वर्ब फॉर्म बनता है ये हमारे नाउन फॉर्म है, और यहाँ पे ये हमारे वर्ब फॉर्म होंगे। तो अबाउंड का जो हमारा वर्ब बनेगा दैट इज सॉरी, ये हमारा नाउन होगा और ये अबाउंड हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एबंडेंस, है ना। आप देखिए यहाँ पर ए एन सी ई लगा है, ए एन सी ई लगा है, इसका मतलब क्या है? नाउन है। ओके, नेक्स्ट है अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस है, तो अकम्प्लिस से बना अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा। और देखें आप यहाँ पे मेंट लगा है, और मेंट हमारा क्या होता है? कीवर्ड होता है, जो कि मैंने बताया कि ये आपका क्या है? नाउन है। एक्नॉलेज है, तो सेम केस, आप एक्नॉलेज लिखिए और क्या लगा देंगे? मेंट लगा देंगे, एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट एडमिट है, एडमिट से हमारा वर्ड बना एडमिशन, वी कैन से दैट एडमिशन। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस में देखें आप यहाँ पे एस लगा है, कई बार आप सी देखते हैं, ये हमारा वर्ब है, और जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा जो है ए डी वी आई सी ई हो जाता है, एस हट जाता है, तो ये हमारा क्या है? नाउन। एनी प्रॉब्लम?
नाउ एम्यूज है, एम्यूज का मतलब एंटरटेन करना, मनोरंजन, तो एम्यूज से वर्ड बना हमारा एम्यूजमेंट। ठीक है, इसके बाद में कॉम्प्रिहेंड है, बहुत ही आसान सा वर्ड है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना, सो वी कैन से दैट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। आगे इसी तरह से कॉम्प्रिहेंड की तरह ही है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड आ जाएगा दैट इज एप्रीहेंशन। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज अप्रूव, अप्रूव इज गिवेन, तो अप्रूव से वर्ड हमारा क्या बना, अप्रूवल, तो ये हमारा अप्रूवल हो जाएगा। इसी तरह से अराइव है, तो अराइव से क्या हुआ, अराइवल। तो देखिए यहाँ पे एल जो हमारा वर्ड आ रहा है, ये एल भी हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है, जैसे ANCE है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है बियर, बियर का मतलब क्या होता है, जन्म देना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोर, BORE, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉर्न, BORN। तो देखिए ये तो वर्ब की बात हो गई, वी हैव टू टॉक अबाउट नाउन, और नाउन में देखिए क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, और बर्थ से बना बर्थडे। ओके, बिलीव दिया है, देखिए यहाँ पे बिलीव है ना, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, और मुझे अगर नाउन बनाना है इसको, तो नाउन के लिए हमें यूज करना होगा BELIE और F लग जाता है, दैट इज बिलीव। ओके, नेक्स्ट है बिलोंगिंग, बिलोंगिंग को अगर हम चेंज करें, सो वी से बिलोंगिंग्स। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज मैनेज, और मैनेज से का वर्ड क्या बना, मैनेजमेंट, मैनेज से वर्ड बन गया मैनेजमेंट। बहुत ही कम समय में हमने 15 वर्ड्स देखे, और आपने देखा कि क्या वर्ड कैसे चेंज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इन वर्ड्स को। तो देखिए फर्स्ट ऑफ आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है कि कड़े विरोध में, कड़े विरोध में है, सो वी कैन से दैट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दैट इज कड़े विरोध में। इन अ फुल स्विंग, अब यहाँ पे देखिए इन फुल स्विंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जोरों पर, जोरों पर, सो वी कैन से दैट मीन्स इन फुल ग्लोरी, इन फुल ग्लोरी दैट इज इन अ फुल स्विंग दैट इज जोरों पर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकल हो रहा है, सो वी कैन से दैट मीन्स पलक झपकते कुछ हो रहा है ना, सो वी कैन से दैट मीन्स बहुत ही कम समय में, यानी इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादा समय ही नहीं लग रहा है, सो वी कैन से दैट इन नो टाइम, यानी ना के बराबर टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है इनर नटशेल, इनर नटशेल का मतलब हिंदी में हम जिसको बोलते हैं संक्षेप में, संक्षेप में है कोई भी चीज, इनर नटशेल है, सो वी कैन से दैट मीन्स इन ब्रीफ, इन ब्रीफ, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इन वंस टीन्स, इन वंस टीन्स का मतलब होता है 20 साल के पहले की उम्र, ठीक है, सो वी कैन से दैट मीन्स बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 20, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 20, ठीक है, तो ये क्या है, 20 साल से पहले की उम्र की अवस्था। नेक्स्ट है इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए इन अ फिक्स है, इसका मतलब होता है कि उलझन में, बड़ी उलझन में, बड़ी परेशानी में फंस गया है, सो वी कैन से दैट मीन्स इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट दैट इज इन अ फिक्स। नेक्स्ट इन द निक ऑफ द टाइम, इसका मतलब होता है समय से ठीक पहले, समय से ठीक पहले, सो वी कैन से दैट जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ठीक है, दैट इज इन द निक ऑफ द टाइम। नाउ नेक्स्ट है इन एम्ब्रियो, 8th नंबर पे देखिए, इन एम्ब्रियो है, इसका मतलब वो पूरी तरह से अभी काम पे मेच्योर नहीं है, है ना, यानी अभी परिपक्वता की स्थिति नहीं आई है, सो वी कैन से दैट मीन्स इमेच्योर, इमेच्योर। आगे चलते हैं 9 नंबर पे देखते हैं, ये यहाँ पे 8 तक क्लियर हो गए होंगे, सो 9 नंबर देखिए हमारा लिखा हुआ हैंग ओवर वंस हेड, इसका मतलब क्या है कि भय की अवस्था है, यानी कहीं ना कहीं अंडर डेंजर है वो, अंडर डेंजर। नेक्स्ट
इसके बाद में नेक्स्ट है टू हैंग इन बैलेंस। टू हैंग इन बैलेंस इसका मतलब क्या है कि अंडर टू रिमेन अनडिसाइडेड, कोई भी चीज़ कैसी है डिसाइडेड नहीं है, सो वी कैन से दैट टू रिमेन अनडिसाइडेड। नेक्स्ट है टू हैंग बाई अ थ्रेड। टू हैंग बाई अ थ्रेड का मतलब होता है कि उसकी नाजुक बहुत ही हालत है, तो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, सो वी कैन से दैट क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन। नाउ नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दैट इन ऑल सिंसियरिटी। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट है कोई भी चीज। टू ब्रिंग होम या किसी चीज को समझाना या एक्सप्लेन करना, सो वी कैन से दैट टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन समझाना। हॉट वाटर है, हॉट वाटर है तो इसका मतलब परेशानियां हैं, सो वी कैन से दैट ट्रबल्स, ट्रबल्स। ओके, सो आपने देखा कि बहुत ही कम समय में हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल सही क्रम में होना, बिल्कुल सही क्रम में है, सो वी कैन से दैट इन अ परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। अब बात जब ऑर्डर की आती है तो आपको मैंने एक और idioms बताया था, वो है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कैसी है तितर बितर है, तितर बितर है यानी कोई क्रम में नहीं है, ऐसे पड़ी हुई है। जैसे बुक्स वगैरह क्या होती हैं कि आपकी जो है इन डिसऑर्डर यानी डिसऑर्डर क्रम में जो है फैली हुई है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर यानी सही क्रम में ना होना। नेक्स्ट है व्यवस्थित ना होना। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब सर्वे सर्वा हिंदी में पढ़ा है, सो वी कैन से दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अबव ऑल, अब यहाँ से पता चल रहा है अबव ऑल यानी सभी चीज़ में वो ऊपर है, सभी चीज़ों में ऊपर है, सो वी कैन से दैट मीन्स अबव या बिफोर, वी कैन से बिफोर एवरीथिंग यानी किसी भी चीज़ के वो जो है ऊपर है, बिफोर एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट एज फिट एज फिडल, तो फिट है ना, फिट है, सो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एट रैंडम। एट रैंडम आपने एक मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रायिकता, और प्रायिकता में ये वर्ड बहुत आ जाता है। एट रैंडम का मतलब होता है अचानक से, यदृच्छा, सो वी कैन से दैट एमलेसली, सडनली हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एट वन विट्स एंड, इसका मतलब क्या है, वो बंदा कैसा है, कन्फ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। ओके, ये हम पहले करा चुके हैं आपको। एट वंस फिंगर टिप्स, ठीक है, एट वंस फिंगर टिप्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसको जो है कंप्लीट नॉलेज है, सो वी कैन से दैट कंप्लीट नॉलेज। चलिए 8 नंबर तक यहाँ तक कंफर्म हो गए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं 9 नंबर पे, एट लॉगर हेड्स। दिस वर्ड आल्सो वी हैव स्टडीड, हम ये भी वर्ड देख चुके हैं। और एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है कि मतलब टू बी इन डिसएग्रीमेंट, टू बी इन डिसएग्रीमेंट यानी बोल चाल नहीं है, कहीं ना कहीं बैर भाव पनप रहा है, सो वी कैन से दैट टू बी इन डिसएग्रीमेंट एट लॉगर हेड्स। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एट लॉगर हेड्स होता है, कई बार क्या करता है कॉमन एरर में गलती बना देगा, हेड का एस लॉगर्स में लगा देगा, तो एट लॉगर्स हेड कर देगा, जो कि एरर है। idioms एंड फ्रेजेस के साथ में कोई भी छेड़छाड़, कोई भी करेक्शन, कोई भी वर्ड ऐड या घटाते नहीं है। ओके, एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब क्या है, तो ऑड है ना, ऑड का मतलब कोई भी चीज़ सामान्य नहीं है, असामान्य है, सो वी कैन से दैट एट ऑड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ विरम विषम परिस्थिति में है, सो इन डिस्प्यूट वी कैन से, इन डिस्प्यूट। ओके, एंड नेक्स्ट वी कैन से, नेक्स्ट वर्ड है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो वी कैन से दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके जो है बहुत ही करीब है, वी कैन से दैट वेरी क्लोज, या आपके बहुत ही करीब उसका घर है, वी कैन से दैट वेरी क्लोज, वेरी नियर। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से, सो वी कैन से दैट बाई एनी मीन्स, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है बिट डिफियंस। बिट डिफियंस का मतलब क्या होता है, बिट डिफियंस डिफाइस, ऐसा लग रहा है, डिफे आपका वर्ड आ रहा है, जो किसी को मना करना होता है, इसका मतलब होता है मना करना, सो वी कैन से दैट टू इग्नोर, किसी को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, टू इग्नोर। नेक्स्ट
ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है कि उसने न्यूज़ ब्रेक करी है, लेकिन क्या है, नेगेटिव सेंस में जाता है वर्ड। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज़, टू गिव बैड न्यूज़। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 14 सेंटेंसेस बड़े आराम से, बड़े ही आसानी से किए, और ये 14 सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, 14 वर्ड्स ये आपको क्लियर हो गए हैं। और मैंने बताया एडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सही अर्थ निकले, सही मीनिंग निकले, लेकिन हाँ अपनी माइंड मैपिंग के लिए उसको आप अपने तरीके से अर्थ निकाल सकते हैं।